हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल बी स्कूलर्स एकेडमी पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है थ्रियो एंड इथ्रो नोमेनक्लेचर। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री का, बट इंपॉर्टेंट है। दिस इज गोइंग टू बी आर लेक्चर नंबर 7। दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द गेट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? थ्रियो एंड इथ्रो नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इरिथ्रो और थ्रियो दोनों ही क्या होते हैं, आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं। बेसिकली क्या है, एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, दूसरे पे अलग होगी। तो सपोज आरआर है, तो इसका अगर आरआर इरिथ्रो है तो थ्रियो क्या होगा, आपका आरएस होगा या फिर एसआर होगा। तो एक पे अलग होगी, दूसरे पे सेम होगी, तो ये पॉसिबिलिटी आएंगी। तो दोनों ही आपस में क्या है, आपके डायस्टीरियोमर्स हैं। दूसरी चीज़ क्या कंडीशन है, दो कायरल सेंटर तो आपके होने ही चाहिए, और दोनों ही क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। मॉलिक्यूल विद टू एडजेसेंट थ्रियो सेंटर when there are two groups which are common to each other, each carbon while third is different, that is CBX CABY give rise to इथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियोमर्स। तो इथ्रो एंड थ्रियोज आपके क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। आपको जो फॉर्मूला चाहिए यानी कि जो कंपाउंड जिसमें ये पॉसिबिलिटीज आएंगी, तो एक कार्बन हो जिसपे ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो और एक्स हो, उसके एडजेसेंट कार्बन पे ही आपका ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो और वाई हो, यानी ए और बी दो ग्रुप तो आपके सेम हो, तीसरा ग्रुप क्या हो, आपका अलग हो। तो जब भी ऐसा सा सिचुएशन आएगी आपकी, दोनों ही कायरल होंगे, जब भी ऐसी सी सिचुएशन आपकी आएगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी इरिथ्रो और थ्रियोस की। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ये है आपका कंपाउंड, एक ये है आपका कंपाउंड। इसमें आप तो देखेंगे दोनों ओ एच जो है वो एक साइड है और दो एच जो है वो एक साइड है, यानी कि और एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। तो ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, ये हो गया आपका ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो दो ग्रुप सेम है और एक ग्रुप क्या है आपका अलग है। तो जब दोनों ही सेम साइड होंगे, जो ए और बी में ए दोनों एक साइड होंगे, तो उसको कहूँगा इरिथ्रोस। और जब ए और बी में आपकी दो ग्रुप एक साइड नहीं होंगे, ए और बी से ही देखूंगा मैं, अगर ए और बी ए ए एक साइड हो, बी बी एक साइड हो, तो आएगा आपका इरिथ्रो। अगर ए बी एक साइड हो और बी ए एक साइड हो, तो आपका क्या आएगा, थ्रियोस आएगा। यानी कि टू हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, टू ओएच ऑन द सेम साइड, टू हाइड्रोजन ऑन द अपोजिट साइड, टू ओएच ऑन द अपोजिट साइड। तो अगर ऐसा सा आता है तो आपका क्या होगा, इरिथ्रो और थ्रियोस मिलेगा। तो इरिथ्रो में क्या होगा भाई, दोनों ओएच सेम साइड आ गए, यानी दो ग्रुप अलग अलग कार्बन पे सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, अलग अलग कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप सेम साइड होंगे, डिफरेंट ग्रुप सेम साइड होंगे, राइट। आई होप आपको सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। आगे आ जाते हैं भाई, इस कंपाउंड में हो सकता है कि तो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ये आपके दोनों ए हैं, ये आपके दोनों बी हैं, तो सेम ग्रुप सेम साइड है भाई, बहुत बढ़िया, और दो ग्रुप अलग भी हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका इरिथ्रो और थ्रियोस होगा ही होगा। अगर सेम साइड है तो क्या होगा, इरिथ्रोस, और अगर अपोजिट साइड है तो आपका क्या होगा, थ्रियोस। ऐसा ही सीखा था आपने, ये देखिए थ्रियोस है, ये क्या है, इरिथ्रोस है। चलिए और देखते हैं। आपने एक और चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी कि कहीं पे माइनस लिखा है और कहीं पे प्लस लिखा है। तो माइनस और प्लस क्या है, बेसिकली आपका एनांशियोमर को ही दर्शाता है। तो अगर देखेंगे ये एक कंपाउंड है आपका, इसमें दो हुए सेम साइड होने की वजह से ये क्या है, इरिथ्रोस है। तो इसकी जो मिरर इमेज लूँगा वो माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पर दोनों ग्रुप अभी भी सेम साइड ही हैं, तो वो भी क्या आएगा, इरिथ्रो ही आएगा। अगर मैं इसका थ्रियोस बनाना चाहता हूँ तो एक कार्बन पे क्या करूँगा, ग्रुप को अलग, ग्रुप को क्या करूँगा, एक्सचेंज कर दूँगा, यानी OH को इस साइड ले जाऊँगा और H को इस साइड ले जाऊँगा। तो आपका क्या बन गया, थ्रियोस, यानी कि अपोजिट ग्रुप एक साइड है, तो ये भी माइनस था आपका। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, दोनों ग्रुप अपोजिट ग्रुप क्या आ जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें यहाँ नोट करने वाली हैं। पहली चीज़, द टर्म्स इरिथ्रो एंड थ्रियोस आर जनरली अप्लाइड ओनली टू दोज मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव सिमेट्रिक एंड्स, यानी कि सिमेट्रिक एंड्स नहीं होने चाहिए। तो सी एच ओ और सी एच टू ओ दोनों ही सिमेट्रिक नहीं है, ये एक्स और वाई के लिए बात कर रहा है, यानी दो ग्रुप आपके अलग होने ही चाहिए, तो सिमेट्रिक एंड्स नहीं होने चाहिए आपके, बहुत बढ़िया। और कंडीशन क्या है, आपके पास टू कायरल सेंटर होने चाहिए, यानी दो ए सिमेट्रिक कार्बन आपके पास होने चाहिए, और दो ए सिमेट्रिक कार्बन पे दो ग्रुप सेम होने चाहिए, और एक ग्रुप क्या होना चाहिए, आपका अलग होना चाहिए, यानी थर्ड ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, थर्ड ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ये कंडीशन है जी आपकी इथ्रो और थ्रियोस की। तो अब बात करते हैं कि मैं कैसे निकालूंगा। तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले कंपाउंड लीजिए, कंपाउंड को चाहे न्यूमेन में कर लीजिए, सोर्स में कर लीजिए, किसी भी एक रिप्रेजेंटेशन में ले आइए, और मेरा मानना है कि आप क्या ले आइए, फिशर में ले आइए, और सबसे पहले उसमें देखिए कि आपके जो दो ग्रुप कॉमन नहीं हैं उन पर आप कंसंट्रेट करें, तो उसको एक को ऊपर एक को नीचे ले आइए, बहुत बढ़िया। ये रोटेशन से आएगा, सीसी बॉन्ड के रोटेशन के, सीसी बॉन्ड पे जब आप रोटेशन करोगे, यहाँ पे इस पे रोटेशन करोगे, उससे ये आ जाएगा। इन दोनों ही ग्रुप को आप वर्टिकल लाइन पे रखिए, एक को टॉप पे एक को बॉटम पे, ठीक है, और बाकी सभी को
आप कहाँ ले आइए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले आइए, ठीक है। अगर दोनों ग्रुप आपके ए ए सेम साइड आते हैं और बी बी सेम साइड आते हैं तो वो क्या होगा, आपका इरिथ्रो होगा। और अगर यही चीज आपकी अपोजिट आ जाती है, ए बी बी, यही चीज आपकी अपोजिट आ जाती है, तो वो क्या होगा, आपका थ्रियोस होगा। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो गई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, सो दैट कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको इमीडिएटली आपको पता लग जाए। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा। इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पे हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सायोनारा, सबक है, बाय बाय।